ये बगन का एरिया भी है, वहां कोई बस स्टैंड ने कहा था कि हम बनाएंगे, वहां बनाया नहीं। कुछ रोड की जो लोगों की उसकी प्रॉब्लम है, को मुझे हमें कह रहे थे कि हम ये द्रब्बड़ रोड जो है उसको ब्लैक टॉप करेंगे, हमें कह रहे थे कि मशीडी से सरोता तक जो गली तक है उसको ब्लैक टॉप करेंगे। तो 3-4 महीने हो गए, उन्होंने तो अभी कुछ किया नहीं। जो हमारे एक्शन साहब है वो रोज कहते हैं कि हम बस कर रहे हैं। सर, उन्होंने कहा था कि लेकिन वो उसमें करंट अथॉरिटेरियन रजीम है, वो भी झूठे वादे लोगों से करते हैं, खोखले वादे जुमले, तो इसी तरह वो विभागों पे भी असर पड़ा है, वो भी लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या बताएंगे? सर बताएं, इतने जो हमारे इनके जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, वो इतने लापरवाह हो गए हैं कि उनको उनको लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। डिपार्टमेंट का पीएम जेएसवाई के एक्शन है, वो चीफ इंजीनियर को उनको मानते नहीं, क्योंकि उनको सरपरस्ती ऊपर बड़े लोगों की है। ठीक है, वो डायरेक्ट जो है जो कमीशन है उनको देते हैं, तो ऊपर से जो ऑर्डर होगा वही नीचे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। मल्हार से मलाड तक रोड जो है उसकी फर्स्ट क्लियरेंस भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो लोग कहते हैं काम लगना लगना है। ये पीएम जिस वाले सेटिंग भी करने लगे, अपने एक्शन भी करने लगे, हम बस काम लगाने वाले हैं। अब जब फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई तो अब काम नहीं शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स हैं पीएम जिस के जो काम कर रहे हैं, आप लोगों की दिक्कत को भी देखिए और जो काम करना है उसको जल्दी कीजिए, ताकि लोगों को जो है वो समस्या वो दूर हो सके, और उनका जो जो घर गिर रहे हैं, किसी की जमीन आ रही है, उनका जो मुआवजा बन रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। हम कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब से भी कहा, डीसी साहब से कहा कि भैया इनका जो जो इनका मुआवजा बता लोगों को दीजिए, तो वो भी ग्लेस नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको करना है रेवेन्यू वालों को भेजना है, रेवेन्यू वाले कहते हैं हमने भेज दिया है, पीएम जिस वाले कहते हैं वो सेशन के लिए ऊपर भेजा हुआ है, तो कब सेंक्शन होगा कब नहीं होगा कोई पता नहीं है। लेकिन यह है कि जो रोड के काम जो रुके हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी इनको शुरू करना चाहिए। सर, मीनवाइल जो है गरीब लोग हैं, जनता है, जिनकी ज़मीनें गई हैं रोड के अंदर, या जिनको डेली इनकन्वीनियंस हो रही है, जैसे रोड की खराबी है, कीचड़ है, पानी है, तो इसके लिए ये स्टर्न करना एक्शन लेना चाहिए इनको, और डीसी साहब हैं जो नए आए हैं, इनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए। देखिए देखिए सर, डीसी साहब हमारे जो हैं, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब कोई गलत काम करेगा तो उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल लेकिन यहाँ गिरोह जो है वो सब दो नंबरी लोगों का इकट्ठा हुआ है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सब गिरोह है, सब कमीशन खोर है, सब पैसा खा, सब ठेकेदार बने हुए हैं, काम कुछ करना नहीं। 1 करोड़ रुपया आता है, वहां 20 लाख भी नहीं लगाते और सब कमीशन ही कमीशन खा रहे हैं, और इलीगल काम सारे हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन करती है तो उस पर प्रेशर बनाया जाता है। तो ये सब घोल मिली है इसमें, अब ऊपर वाला ही बचाए लोगों से, ऐसी गवर्नमेंट से।